जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आ जाती है, इट इज रिकमेंडेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो अंडू की आ जाती है, एक तो दो चीजें आपने देखी, स्पेस और कोई दो चीजें कह रहे हैं, कहता है इस पर आपने क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडू शुड इंक्लूड प्रिवेंटिंग स्पेस आर अंडू टेबल स्पेस. क्या करें कि अंडू टेबल का साइज प्रॉपरली कंफिगर करें और इंश्योर करें जो लार्ज ट्रांजेक्शन है उनको कमिट प्रॉपर्टिकली कराएं. जरा देर तक ना रखें. देखिए एक ह्यूज 15-20 हजार और अपडेट हो गए हैं और उसको फॉर्म कमिट ना किया गया, इसका मतलब ये है अगर वो 2 घंटे तक कमिट नहीं करता तो 2 घंटे तक अंडू लेके बैठा रहेगा ना. दूसरा यूजर क्या करेंगे, अंडू वार्ड यूज होगा, वो अंडू सेगमेंट पता करा जाएगा. क्या होगा, एक होता है ना बैलून, अगर ज्यादा फुलाएंगे तो क्या फट जाएगा ना. इसी तरह ये बिल्कुल रिंग शेप में होता है. लेकिन एक यूजर ने और 20 हजार अपडेट कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं और कमिट नहीं करता 3 घंटे 4 घंटे, तो वो क्या होगा, उसका डेटा उसने उतनी देर रिटेन रखना है जब तक कमिट नहीं होता. लेकिन जो दूसरा यूजर आएगा उसको तो जगह और चाहिए, तो उसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग जो अंडू सेट उसका साइज को बढ़ाएगा और जितनी देर रिटेन रखेगा दूसरे यूजर जो आते जाएंगे वो साइज बढ़ते जाएंगे. इस तरह क्या होगा, अंडू बड़ा बड़ा आपका होता चला जाएगा. ठीक है, तो इंश्योर दैट लार्ज ट्रांजेक्शन कमिट प्रायोरिटी. अगर ये वाला एरर आए तो इसमें कंफिगर अप्रोक्सीमेट अंडू रिटेंशन इंटरवल या पैरामीटर होता है. अगर आप चाहते हैं इस एरर से बचना चाहते हैं कि वो ओवरराइट ना हो, कि इसने लॉन्ग रनिंग क्यूरी कर ली डेटा और वो कमिट हो गया, डेटा मॉडिफाई भी हो गया है, तो मॉडिफाई ना, इसलिए कमिट तो हो गया है लेकिन मॉडिफाई तो ना हो ना. ये ओवर स्नैप एरर क्यों आया, कि यूजर ने ह्यूज ट्रांजेक्शन इसने अपडेट की, इसने अपडेट की और इस और उसकी ऑपरेशन कहां पे आ गई, अंडू में आ गई. इसने क्यूरी की, इसने प्लानिंग की कि मुझे डेटा जो नॉन कमिटेड है वो कहां से उठाना है, अंडू से और कमिटेड यहां से. अब जो यूजर ने जो अभी ट्रांजेक्शन आपकी चल रही थी, क्यूरी हो रही थी, कि यूजर ने कमिट मार्क कर दिया. कमिट मार्क करने से अंडू में डेटा डिलीट तो नहीं होता ना, रहता है तो क्यूरी तो वहां से पढ़ सकता है. लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि जब कमिट हुआ था तो अंडू में से जो डेटा कमिट हुआ है वो ओवरराइड हो गया. अगर तो ओवरराइड नहीं हुआ फिर तो डेटा तभी से ओवरराइड नजर आया. क्या कहा मैंने कि एक हैवी रिकॉर्ड अपडेट हो गए, बहुत लॉन्ग रनिंग रिकॉर्ड अपडेट हो गए, दूसरा यूजर जब क्यूरी करता है तो वो कहां से देखेगा रिकॉर्ड, अंडू से देखेगा. अगर वो जब रिकॉर्ड देख ही रहा था कि इस यूजर ने क्या कर दिया, कमेंट मार्क कर दिया, जब कमेंट मार्क कर दिया तो कमेंट मार्क कर उसका अंडू वहां पर स्टिल रहता है, रहता है. ये नहीं कि अंडू वहां से खत्म हो जाता है. हाँ ये जरूर हुआ है कि जब कमेंट मार्क हुआ है तो उसका मतलब ये वाला अंडू ओवरराइड हो सकता है. दूसरा यूजर आया, उसने कोई हैवी ट्रांजेक्शन दी जिसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, और जब ये क्यूरी पढ़ रहा था तो उसे वो डेटा नहीं मिला, तब उससे वो आ रहा था ओल्ड स्नैपशॉट्स में. अब वो कहता है कि वो जो डेटा है वो जो ओवरराइड हुआ वो क्यों ओवरराइड हुआ, कि वो ओवरराइड आपने करने दिया. अब एक पैरामीटर होता है अंडू रिटेंशन का, कि जो डेटा एक दफा अंडू में चला जाता है वो डेटा कितनी देर तक रिटेन करे, 2 दिन 3 दिन, चाहे आप कमेंट भी कर दें. अगर यूजर ने कमेंट भी कर दे तो तब भी वो डेटा कहां पड़ा रहेगा, अंडू में पड़ा रहेगा. अगर अब ये वैल्यू अंडू रिटेंशन का पैरामीटर होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा. कौन सा, ओल्ड स्नैपशॉट टू. क्यों सॉल्व हो गया मसला, क्योंकि वो ज्यादा देर डेटा कमेंट होने के बाद भी पड़ा रहेगा, ओवरराइड नहीं होगा, तो जब भी क्यूरी है तो उतनी देर में उसको पूरा कर जाएगी. तो अंडू रिटेंशन का साइज आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट साइज करना है. और दूसरी वजह आप अंडू टेबल स्पेस का साइज भी प्रॉपर करना है और कंसिडर और अंडू रिटेंशन गारंटी देनी है. अच्छा एक आपने टाइम बता दिया इतनी देर के लिए वो क्या रहे, रिटेन रहे, लेकिन अब उस अंडू के ऊपर इतना प्रेशर है कि जगह नहीं है तो वो मजबूर हो जाएगा उसको भी ओवरराइड करने के लिए, तो आप उसको गारंटी देंगे कि वो ओवरराइड ना हो. तो ये वो तीन चीजें हैं जो चीजें आपने देखनी है. एडमिनिस्ट्रेटिव अंडू, अंडू का जो मैनेजमेंट है 8i के अंदर पहले वक्त थी मैनुअल, 9i से उसने क्या किया है कि अंडू की जो मैनेजमेंट है दो तरीकों से करती है, एक मैनुअल है एक ऑटोमेटिक है.
अगर आप एटाई की एडमिशन करते हैं ऑर्गेनिज्म से, तो वहां पे ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, का कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि आपने अंडू टेमेसिस वहां भी बनाने हैं, लेकिन उसमें यह है कि अंडू सेगमेंट भी खुद से बनाने हैं एटाई के अंदर, उन अंडू सेगमेंट को लाइव भी आप ही ने करना है, तो वो चला जाता है मैनुअल पे। तो चूंकि 9i 10g अब चूंकि ऑटोमेटिक का जमाना है, तो उधर क्या है अंडू टेमेसिस ऑटोमेटिक कर दी गई है, उसकी जो मैनेजमेंट है ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि आप सिर्फ टीबीए ने खाली अंडू टेमेसिस खाली क्रिएट कर देनी है, जब सर्वर स्टार्ट होगा तो ऑरेकल सर्वर खुद ही अंडू टेबल स्पेस में अंडू सेगमेंट भी बना देगा, उन अंडू सेगमेंट को ऑनलाइन भी कर देगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था, हमें मैनुअल बनाने पड़ते थे अंडू सेगमेंट, उनको ऑनलाइन भी करना पड़ता था, जबकि 10G या 9i में ये काम क्या होगा ऑटोमेटिक है। तो ये कैसे होगा, ये पैरामीटर होता है, ये आप सेट करते हैं, इस दो वैल्यू होती है ऑटो या मैनुअल, और रिजेक्ट करता है 10G के अंदर, अगर आप यहां मैनुअल करते हैं तो इसकी एडमिशन वैसे नहीं जैसे आप 8i में करते हैं, ठीक है। और इससे मतलब बता दें कि एक वक्त में एक ही अंडू टेबल स्पेस अटैच की जा सकती है, तो ये बता दें कि उस डेटाबेस की करंट अंडू टेबल स्पेस कौन सी है, जिसमें जब सर्वर स्टार्टअप होगा तो इस अंडू टेबल स्पेस में क्या बनाएगा, अंडू सेगमेंट बनाएगा। ये दो कहां सेट होंगे, पैरामीटर फाइल में, ऑफकोर्स पैरामीटर्स है ना ये, तो जितने भी डेटाबेस के पैरामीटर कहां सेट होते हैं, पैरामीटर्स। अब ये वही है अंडू रिटेंशन, कि डेटा आपने कितनी देर तक कमिट होने के बाद भी रिटेन रखना है, तो ये पैरामीटर स्पेसिफाई, ये भी पैरामीटर एसपी फाइल में बताना है, पैरामीटर फाइल के अंदर ये वैल्यू जो है इन सेगमेंट में देनी है, अंडू स्पेसिफाई इन सेगमेंट द अमाउंट ऑफ ऑलरेडी कमिटेड अंडू इंफॉर्मेशन, दैट वही है कि कितनी देर तक जो ऑलरेडी कमिटेड है कितनी देर तक उसमें रिटेन रहे कमिटेड। देखिए जो नॉन कमिटेड है उसमें तो रखने रखना है, चाहे वो 10 दिन तक कमिट नहीं होती, उसने 10 दिन तक अंडू में रखने रखना है, लेकिन जैसे ही कमिट हो जाए उस पर आप डीबी की मर्जी है कि उसमें डेटा कितनी देर तक बाद में कमिट होने के बाद भी रिटेन रहे, ठीक है। ये 10G का फीचर है, दी अमाउंट ऑफ ऑलरेडी कमिटेड इज टू बी रिटेन दी ओनली टाइम टू मस्ट सेट दिस पैरामीटर। कहता है कि ये जो पैरामीटर है ये उस वक्त कारामद है, ये जो है अगर आपकी अंडू टेबल स्पेस ऑटो एक्सटेंड ऑन इनेबल्ड है। अगर ऑटो एक्सटेंड ऑन इनेबल का मतलब क्या है, अगर ये ऑफ होगा, देखें एक अंडू सेगमेंट आया, आपने कहा कि इसमें ये डेटा 2 दिन तक रिटेन रखना है, और अगर उसका ऑटो एक्सटेंड ऑफ होगा इनेबल नहीं होगा, तो उस अंडू का एक साइज है, अंडू सेगमेंट का एक साइज है, आपने कहा कि ये इतना तो रिजर्व हो गया इस अंडू के लिए, दूसरा आएगा तो वो लिमिटेड रह जाएगा, फिर वो ग्रो नहीं करेगा, इससे क्या होगा ऑटो एक्सटेंड ऑन होने की वजह से वो जो अंडू टेबल स्पेस है वो आपकी ग्रो होती चली जाएगी। अदरवाइज अगर अंडू टेबल स्पेस अगर आपने फिक्स कर दी तो उसका नुकसान क्या होगा कि यूजर को एरर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ये भी कहा है कि डेटा ओवरराइट भी ना हो और फिक्स भी कर दिया है, तो दूसरे यूजर पे क्या करेंगे, वेट ही करेंगे ना, एरर ही उनको आएंगे ना, तो अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो वो उस आपका भी काम हो जाएगा और टेबल स्पेस भी अपने आप ग्रेजुअली एक्सटेंड होती चली जाएगी। और यू वॉन्ट टू सेट अंडू रिटेंशन फॉर लॉन्ग, यू वॉन्ट टू गारंटी रिटेंशन, दी ओनली टाइम यू मस्ट सेट दिस पैरामीटर, एक तो ऑटो सेंड ऑन हो, अगर आप चाहें तो लॉग के लिए भी सेट कर सकते हैं, और गारंटी की कुछ स्लाइड्स यहां पे क्लियर होंगी। इन सेकेंड नो स्पेशल वैल्यू फॉर ऑटो सेंड, the system retain undo for at least the time specified in this parameter and automatically tune the undo retention period due to undo requirement for fixed size undo table space, system automatically tune the it ignore undo to ASCII jo default value agar aap usko ignore kar denge na is parameter ko to jo these three options hai ye bhi aap ignorable ho jayenge। अच्छा अंडू इन्फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज। अब डेटा जो है इसमें तीन तरह का डेटा रह जाता है, एक अनकमिटेड अंडू इन्फॉर्मेशन,
जो कमिट यूजर जो यूजर चेंज करें जो कमिट नहीं हो रही सपोर्ट अ करंटली रनिंग ट्रांजेक्शन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर यूजर वांट टू रोल बैक, ये उससे यूज होगा जो यूजर उन डेटा को रोल बैक करके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। एक उस अंडू टेबल स्पेस में कमिटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, क्यों पड़ी होगी, क्योंकि हमने कहा है कि वो राइट नहीं होना, तो इस नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट अ रनिंग ट्रांजेक्शन बट जो आपकी रनिंग ट्रांजेक्शन उसके लिए कोई फायदा नहीं है उसका, जो आपकी रनिंग ट्रांजेक्शन चल रही है वो फायदा किसका है, अनकमिटेड का है, कि उसको कमिट करना है या रोल बैक करना है जो अटक है, लेकिन जो कमिट हो चुकी है उसका करंट ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रहता जो उसने बात के लिए, इस नो लॉन्गर नीडेड टू सपोर्ट अ रनिंग ट्रांजेक्शन बट स्टिल नीडेड टू मीट द अनडू रिटेंशन इंटरवल, जो इस इंटरवल आपने सेट किया उसको मीट करने के लिए तब तक वहां पड़ी रहेगी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नॉन एज ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे, अनएक्सपायर अंडू इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो अंडू में अभी इंटरवल के हिसाब से सेट हो सकता है। आपने कहा कि इस यूजर ने हैवी डेटा अपडेट किया वो कहां आ गया, अंडू में आ गया, इस यूजर ने कमिट कर दिया डेटा, ये तो कमिट हो गया इसका तालुक से टूट गया, लेकिन अंडू में इंफॉर्मेशन से पड़ी रहेगी दो दिन के लिए, किया अब दो दिन के लिए पड़ी, जब दो एक दिन गुजरा तो एक दिन रहेगी, ठीक है, इट मीन कि एक दिन का उस जो डेटा है वो क्या कराएगा, अनएक्सपायर्ड, अगर वो डेटा दो दिन से गुजर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपायर इंफॉर्मेशन, सही हो गया। The default undo behavior is to override committed running that I have not expired. Default behavior क्या है जी, default behavior क्या है कि जब कोई changes आप करेंगे और वो कोशिश ये करेगा कि जो अगर से जगह नहीं मिलेगी तो वो जो कमिटेड ट्रांजेक्शन उसको भी जो ओवरराइड करेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर ये है, अगर अंडू उसे वो जगह नहीं मिलती तो यूजर की तो मीट करने के लिए फिर जो अंडू रिटेंशन है वो पहले अपनी तो अंत तक कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वो मजबूर होकर क्या करेगा, उसको ओवरराइड, डिफॉल्ट अंडू बिहेवियर इज टू ओवरराइड कमिटेड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट जो एक्सपायर्ड भी नहीं हुई उनको भी क्या कर देगा, देखिए ना अंडू में डेटा तीन तरह का है, एक अनकमिटेड डेटा जो रोल बैक किया जा सकता है जो यूजर का, एक होता है जो कमिटेड डेटा लेकिन वो होता है अनएक्सपायर्ड, यानी कि वो उस पॉलिसी के मुताबिक एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है, एक होता है जो उस पॉलिसी एक्सपायर हो जाता है वो होता है एक्सपायर डेटा, मैं बात कर रहा हूं अनएक्सपायर्ड डेटा, क्या बात कर रहा हूं, यानी कि पॉलिसी कहती है एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है उसको, That have not yet expired, rather than to allow active transaction to fail because of lack of undo. क्योंकि वो मजबूर है कि वो स्पेस नहीं मिल रही तो वो अदरवाइज वो क्या करेगा कि बजाय कि उसको ट्रांजेक्शन को फेल करे वो ये नहीं करेगा बल्कि उसको ओवरराइड कर देगा। The behavior can be changed, उसको चेंज किया जा सकता है, तो with guarantee execution option अंडू सेटिंग इन फोर्स इवन दिस कॉज अंडू टू फेल, ठीक है, तो रिटेंशन गारंटी इज अ टेबल स्पेस एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट आपको टेबल स्पेस बनाते वक्त कहना है, क्या कहना है, जब आप ये ऑप्शन टेबल स्पेस बनाते वक्त कह देंगे रादर देन, इसका कोई पैरामीटर्स नहीं यहां पर कह रहा है, यानी कि अगर पैरामीटर लेवल पर भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप टेबल इस टेबल स्पेस रादर देन पी फायर दिस एट्रीब्यूट कैन बी चेंज ओनली विद एसक्यूएल लाइन स्टेटमेंट, इस सेंटेंस ये कुछ ऐसा है, अल्टर टेबल स्पेस रिटेंशन गारंटी, जिसका अब मतलब क्या होगा, टू रिटर्न इन टेबल इज नॉर्मल सेटिंग यूज द फॉलोइंग कमांड, अगर आप उसको डिफॉल्ट में जाते तो आप क्या कह दें, नो गारंटी। ये कहने से क्या होगा कि इसमें जितना भी डेटा पड़ा होगा वो उस पॉलिसी के मुताबिक एक्सपायर्ड मार्क अनएक्सपायर्ड जो एक्सपायर नहीं होगा अनएक्सपायर रहेगा, ठीक है, और ये जो डिफॉल्ट है कि रिटेंशन गारंटी अप्लाई ओनली अंडू टेबल स्पेस, ये वाला जो पैरामीटर है ना ये वाला सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, अंडू टेबल स्पेस के ऊपर। अच्छा, आप ऐसी टेबल स्पेस के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉन अंडू है,
like example, ये user table space है जिसमें user के data, user के table है, other table है, तो ऐसी table space के ऊपर तो apply नहीं कर सकते हैं, तो ये वाले options कहाँ apply करने हैं, जो unto वाली table space. Sizing, sizing जो है उसे set करने के लिए ये यहाँ से आपने जाना है कि undo consumption rate, ये सारा मैं अभी आपको slides में बता देता हूँ कहाँ से जाकर साइज वगैरह इंक्रीज करना है. ठीक है, ग्राफ वगैरह सारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आए, देखिए स्टिल ये ऑल ऑफ द लॉक है. अगर मैं यहाँ पे इसको कमिट कर देता हूँ तो ये लॉक भी सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. अभी कुछ टाइम लेगा लेकिन ये रिलीज हो जाएंगे. मैं एक और सेशन ओपन कर लेता हूँ, तो न्यू विंडो. यहाँ पे आपने आना है सेशन पेज में, हेलो देखिए यहाँ पे अंडर कंडक्शन जो सेटिंग है अभी बाईफॉल के आधे 15 मिनट तक जो डेटा अंडू में आ जाएगा और कमिट होने के बाद वो 15 मिनट तक उसमें रिटेन रहेगा और अभी इसकी कोई गारंटी सेट नहीं हुई हुई. अंडू टेबल स्पेस का नाम जो इस सब करंट चल रहा है वो ये है, साइज 35 एमबी का ऑटो एक्सटेंजेबल ऑन. हेलो, अच्छा ऐसा है कि डाइन में जो है क्वालिटी वाले उनको मसला आया हुआ ये वाला. हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, अंडू एडवाइजर जिसमें आपको एडवाइज करता है कि करंट वर्कलोड के मुताबिक कितना अंडू होना चाहिए, ये है अंडू एडवाइजर. इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये बता रहा है लास्ट 1 आवर का ये साइज सेट होने के बाद. ठीक है जी, कह रहा है कि टिपिंग क्या दे रहा है कि क्लिक का पॉइंट टू ग्राफ विल बी अपडेट न्यू रिटेंशन. ठीक है, इसको आपने ड्रैग टू करना है. ठीक है,
नए साइज में जहां भी आपको देना है, ये देखिए नीचे आपको बता रहा है अंडू रिटेंशन का नीचे बता रहा है, ये जितना आगे करेंगे उतना इंक्रीज होगा, और ये बता रहा है अंडू का साइज उस हिसाब से।